हेलो दोस्तों, वेलकम टू OTP चैनल। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने 5 क्लास में डिस्कस किया था कि पावर पॉइंट क्या होता है, पावर पॉइंट के क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, इनके बारे में डिस्कस किया है, चेंज केस के बारे में डिस्कस कर लिया हमने। आज हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ सेक्शन के बारे में कि पैराग्राफ सेक्शन में जो ऑप्शंस होते हैं उनका क्या यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये वाला पैराग्राफ सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो जैसे कि एक मैटर मैंने लिखा हुआ है कि इंडियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 के ऊपर लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर इसी में हम चेंजिंग करेंगे किस तरीके से जो है पैराग्राफ का यूज़ किया जाता है और क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं इसके हेल्प से। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनको भी पावर पॉइंट के बारे में नॉलेज मिल सके और वो भी सीखे कि पावर पॉइंट कैसे चलाया जाता है और कैसे इसका यूज़ किया जाता है डेली लाइफ में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे कि एक पावर पॉइंट का मैंने खोल रखा है, ऐसे एक पावर पॉइंट आप ब्लैंक पेज खोलिए और उसमें कुछ भी टाइप कर लीजिए और इसमें देखना है कि आज हम पैराग्राफ के कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि पहला लिखा हुआ है टाइटल हमने, तो टाइटल में अब इस टाइटल को क्या कर सकते हैं। पैराग्राफ में हमें काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं। एक तो हम ये कर सकते हैं कि इस टाइटल को सिलेक्ट करें या फिर इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लें और इससे क्या करते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ये 4-5 ऑप्शन इससे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, लेफ्ट है, लेफ्ट अलाइनमेंट कहते हैं और शॉर्टकट कंट्रोल L से होता है। जैसे इस पर लेफ्ट करेंगे तो मैटर जो है टोटली लेफ्ट में आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम राइट में करेंगे तो टोटली जो है कंट्रोल R से भी कर सकते हैं, टोटली जो मैटर है वो राइट की तरफ चला जाएगा। इसी तरीके से तीसरा ऑप्शन आता है कि ये सेंटर, सेंटर यानी जस्टिफाई, सेंटर करना, यानी कंट्रोल ई के माध्यम से सेंटर में कर सकते हैं। अभी क्या मैटर है हमारा देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके और सही से दिखाने के लिए मैं कर लेता हूँ आप लोगों को, कि जैसे कि देख पा रहे हैं, जैसे ही मैं सेंटर पर क्लिक करूँगा तो बिल्कुल सेंटर पर आ जाएगा इस पेज के, कि टाइटल मेरा कहाँ आ गया, सेंटर के अंदर। चौथा ऑप्शन आता है जिसको कि हम जस्टिफाई कहते हैं, यानी कंट्रोल जे से इसका इस्तेमाल किया जाता है शॉर्टकट। और जस्टिफाई का मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। पैराग्राफ एक लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर जैसे कि, और ये पैराग्राफ लिखा है और आप सब देख पा रहे हैं कि इस पैराग्राफ में जो है कुछ भी, इधर ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, ये यहाँ से हो रही है, कुछ लाइनें इधर से हो रही है, इसी तरह एंडिंग की तरफ भी इन यहाँ है, द यहाँ है, तो इनको यानी कि चारों तरफ से इक्वल करने को ही जस्टिफाई कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, पूरे बॉक्स को सिलेक्ट कर ले या फिर मैटर को इस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, मैटर को करना चाहते हैं तो। अब पूरे को करना चाहते हैं तो हम इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस बॉक्स पर क्लिक करके इस बॉक्स को, चार एरो ये दिखेगा, बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद हम जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो ये चारों तरफ से इक्वल हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों जस्टिफाई किया जाता है किसी भी चीज़ को, किस तरीके से हम, चाहे वर्ड में हो या एक्सेल में हो या किसी भी चीज़ में हो, हम इस प्रकार से जो है अपने मैटर को, अपने लिखे राइटिंग को या टाइपिंग किए हुए मैटर को हम जस्टिफाई करके मतलब कि अट्रैक्टिव और सुंदर बना सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो जैसे कि आपने देखा चारों तरफ से इक्वल हो गया है, यानी कि ये जस्टिफाई हो गया है। तो ये किस में करने को मिल रहा है हमें, पैराग्राफ के अंदर ये चारों चीज़ें मिला, लेफ्ट करना, राइट करना, सेंटर करना और जस्टिफाई करना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और भी काफ़ी ऑप्शन है, जैसे कि बुलेट्स। बुलेट्स से क्या क्या मतलब, यहाँ पर बहुत से प्रकार के बुलेट्स, जैसे कि हम एक नए स्लाइड में चलते हैं, सपोज़ कीजिए कि हमें ये फ्यूचर लिखा हुआ है मैंने AI का, AI है। अब जैसे कि AI में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक डॉट लगा है, तीन डॉटें लगे हैं, ये डॉट ही बुलेट्स है। बुलेट्स कहने का मतलब है कि कुछ पॉइंट्स को मैं चाहता हूँ कि उसको किस में दिखाना, कि बुलेट्स पॉइंट्स में दिखाना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ एक नया स्लाइड ले लेता हूँ, जैसे कि आप दोस्तों बताया था, या राइट क्लिक करके भी ले सकते हैं, एक नया स्लाइड लिया और ये पूरा ब्लैंक स्लाइड आ रहा है, तो मैं यहाँ पर एक टाइटल वाला स्लाइड ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हैबिट कर लेते हैं या कंप्यूटर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर लिखिए, COMPUTER। अब आप चाहते हैं कि पॉइंट्स में इसको बताना है, कंप्यूटर को पॉइंट्स में बताना है, तो अब यहाँ बुलेट्स ऑप्शन जो है एक्टिव हो गया है। बुलेट्स ऑप्शन में आप डॉट वाला चाहते हैं, सर्कल वाला चाहते हैं, या स्क्वायर, ये डार्क चाहते हैं, या एरो चाहते हैं, या फिर ये होलो स्क्वायर बुलेट्स चाहते हैं,
या फिर स्टार बुलेट चाहते हैं, या राइट जो है क्लिक मार्क वाला चाहते हैं, या इसके अनदर कोई और चाहते हैं, तो आप यहाँ से और भी ले सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। पिक्चर अगर चाहते हैं कोई, तो पिक्चर ले सकते हैं अपने कंप्यूटर से कि मैं बुलेट्स के रूप में पिक्चर लगाना चाहता हूँ, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, ये पिक्चर ही बुलेट्स के रूप में आएंगे। तो इस प्रकार से बुलेट्स जो हैं आप अलग अलग प्रकार के, पिक्चर वाला चाहिए पिक्चर ले सकते हैं, या कस्टमाइज आप बना सकते हैं और भी बुलेट्स कुछ और लगाना चाहते हैं कि मैं पॉइंट्स के बजाय मेरे बुलेट्स में क्या आए कि बीटा करके आए, बीटा, तो बीटा ले लेंगे। तो अब क्या होगा कि वहाँ पर बीटा आएगा जहाँ पर मैंने ये लिखा। तो हम अभी सीखने के लिए हम एरो ये वाला ले लेते हैं, जैसे कि ये आप देख पा रहे लिख रहे, तो मैं क्या लिखूँगा कंप्यूटर क्या है, तो मैंने लिखा कि ये एक तरीके का ई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, DEVICE। इसमें क्या होता है, CPU होता है, इसमें क्या होता है, इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए माउस की भी ज़रूरत पड़ती है हमें, और किसके कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से हम जैसे जैसे पॉइंट्स लिखते जाएंगे उस बुलेट्स का जो है हमारे साथ लगता जाएगा, यानी ये बुलेट बताएगा कि हमारा पॉइंट जो है अलग है। ये सारे किस्में मिलते हैं पैराग्राफ सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। बुलेट्स के बाद आता है बुलेट्स, अब एक तो बुलेट्स इस डिज़ाइन में चाहिए हमें, बुलेट्स आते हैं कुछ न्यूमेरिकल उसके अंदर भी आते हैं, अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल या किसी अलग तरीके से बुलेट्स लेना चाहते हैं, 1-2-3 वाला लेना चाहते हैं, 1-2-3 ऐसे ब्रैकेट में हो, या रोमन चाहिए, या कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट बिंदी के साथ चाहिए, या रोमन में चाहिए, या कुछ और बुलेट्स यहाँ पर और भी डिफाइन है चाहिए, या डिफाइन करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ से और भी बुलेट्स ले सकते हैं। तो चलिए हम नंबरिंग में एक बुलेट्स ले लेते हैं, 1-2-3 डॉट वाला। अब जैसे 1 आ गया, यहाँ पर 1 पर मैंने लिख दिया कि कीबोर्ड हो गया, CPU, माउस, और क्या चाहिए मेरे को इसको लिए, एक एक्सटेंशन EXTENSION एक्सटेंशन बोर्ड चाहिए मुझे, बोर्ड चाहिए, इसके अलावा कीबोर्ड माउस हो गया, CPU हो गया, साथ के साथ मुझे क्या चाहिए और मॉनिटर चाहिए, पूरा एक कंप्यूटर। तो जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ऑटोमेटिक काउंटिंग जो है इसकी आती जा रही है। दोस्तों एक पावर बोर्ड चाहिए, इस प्रकार से दोस्तों आप बुलेट्स का इस्तेमाल करके अपने चीज़ों को जो है नंबरिंग में या बुलेट्स के रूप में दिखा सकते हैं अलग से। तो ये इस प्रकार से जो है बुलेट्स के अंदर यानी पावर पॉइंट के अंदर पैराग्राफ सेक्शन में ये आपको ऑप्शन मिलता है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 2-3 ऑप्शन और दिए गए हैं, जैसे कि एक ऑप्शन है आपका यहाँ पर, जैसे मैं पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये है, ये क्या है, इंक्रीज लिस्ट लेवल, लिस्ट लेवल को इंक्रीज करना, और वही इंडेंट लेवल को, और एक डिक्रीज करना, मतलब कि आपने जैसे द द लिखा है यहाँ पर क्लिक किया, और ये इसको जैसे जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, पूरे पैराग्राफ को आगे बढ़ाता जाएगा। क्या किया इसने, इंक्रीज कर दिया। आप चाहते हो वापस वहीं पर आ जाए तो डिक्रीज लिस्ट लेवल, ये पूरी लिस्ट को क्या करेगा, पूरे पैराग्राफ को डिक्रीज करके वहाँ ले आएगा। तो इस प्रकार के मतलब कि आप सारे लाइन को एक साथ इंक्रीज और डिक्रीज एक ही साथ बढ़ाना चाहते हैं बीच में, या कहीं और दूर तक ले जाना चाहते हैं, तो इन इंक्रीज और डिक्रीज लेवल या इंडेंट के माध्यम से आप कर सकते हैं। दोस्तों एक एक लाइन करने के बजाय आप इंक्रीज डिक्रीज जो है इनके हेल्प से, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट के माध्यम से आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को एक साथ कर सकते हैं। इसी के अंदर सो मच दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और उनको भी बोले कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।